हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है केशव वियानी। मैं एक फोटोग्राफर हूँ और एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। अगर आपको मेरी फोटोग्राफ्स चेक करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल जाके चेक कर सकते हो। यूज़र नेम है केशव 373। तो अगर आपके पास एक अच्छा बजट है तो एक अच्छा कैमरा बैग फाइंड करना एक हार्ड काम नहीं है। कैमरा बैकपैक फाइंड करना आपके पास अगर 8 से 10 हज़ार का बजट है, पर अगर आपका बजट 4 से 5 हज़ार के बीच में है तो थोड़ा हार्ड हो जाता है आपके लिए, क्योंकि उस कैटेगरी में आपको ब्रांडेड ऑप्शंस काफ़ी कम मिलते हैं और जो मिलते हैं उनमें सारे फीचर्स आप लोगों को नहीं मिलते हैं। जैसे अगर मैं फटाफट से सर्च करूं गूगल पे बेस्ट कैमरा बैकपैक, तो ये जो लिस्ट आती है पूरी की पूरी लो प्रो वैनगार्ड और मैन फ्रोटो के बैग से पूरी लिस्ट भरी हुई होती है। उनके अलग अलग मॉडल्स होते हैं जो काफ़ी महंगे हैं। सस्ते वाले मॉडल्स होते हैं वो सारे फीचर्स नहीं दे पाते हैं जो अपने डे टू डे लाइफ में सारे फुलफिल हो जाए, सारे रिक्वायरमेंट्स वैसे नहीं होते। जैसे मुझे अगर मैं कोई कैमरा बैग डेली यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे उसमें एक लैपटॉप कंपार्टमेंट चाहिए होता है, और वो भी 15 इंच का, क्योंकि मेरे पास 15 इंच का लैपटॉप है और यूजली सारे लोगों के पास, आप लोगों के पास भी 15 इंच का लैपटॉप होता होगा। तो जैसे अगर अपन कंपेयर करें तो ये लो प्रो का जो बैग है BP150 DSLR बैकपैक, ये अभी अमेज़ॉन पर मिल रहा है 4125 का, पर इसमें आप लोगों को लैपटॉप कंपार्टमेंट नहीं मिलेगा। तो ऐसे और भी आप लोगों को ऑप्शंस मिल जाएंगे, मैं एक एक करके सारे डिस्कस नहीं करूँगा। कुछ एक में आप लोगों को मिलता है लैपटॉप कंपार्टमेंट, पर वो 13 इंच का होता है। तो एक लैपटॉप बैग ऐसा है जिसके बारे में आप लोगों को ऑनलाइन कोई भी रिव्यूज़ नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन कोई भी यूट्यूबर, कोई भी ब्लॉगर, कोई भी कैमरा पर्सन आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता है वो बैग यूजली। वो है ये वाइल्ड क्राफ्ट का शटरबग बैकपैक, कैमरा बैकपैक, और ये 4000 का है। अभी मैंने इसको 6 मंथ्स पहले लिया था और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इससे। उसका रीज़न ये है कि इसमें सारे फीचर्स दिए हुए हैं जो नेसेसरी है डे टू डे यूज़ के लिए। इसमें 15 इंच का लैपटॉप कंपार्टमेंट है, इधर लैपटॉप कंपार्टमेंट है 15 इंच का, इधर आप लोगों को मिल जाएगा पूरा कैमरा कंपार्टमेंट, और इधर आप लोगों को छोटे मोटे सामान रखने के लिए चीज़ें मिल जाएगी। और ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों को स्टडी या फिर आप लोगों को एकदम वेल बिल्ट नहीं मिल रहा, अच्छी क्वालिटी है इसकी, एकदम ड्यूरेबल है, हार्ड है, रिजिड है, तो आप लोग इसको सही से यूज़ कर सकते हो। और आप लोगों को ये क्यों नहीं मिलता ऑनलाइन या फिर मतलब ऐसे कोई भी रिकमेंड क्यों नहीं करता है, उसका रीज़न सिंपली ये है कि ये बैकपैक आप लोगों को वाइल्ड क्राफ्ट के शोरूम पर ही मिलेगा, मतलब जो भी ऑफिशियल शोरूम है वहीं मिलेगा आप लोगों को या ऑनलाइन मिलेगा। कैमरा स्टोर्स पे मैंने कहीं पे भी ये बैग नहीं देखा। मैंने पूरे बेंगलोर में 3-4 कैमरा स्टोर्स पे मैं गया था, पर मुझे कहीं पे भी वाइल्ड क्राफ्ट का ये बैग नहीं दिखा था। तो इसलिए ये आप लोगों को इतना इजीली लोगों को यूज़ करते हुए नहीं देखते हो, इसलिए ये रीज़न है कि ये इतना पॉपुलर नहीं है। पर आज मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो ये है मेरा कैमरा बैग जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ वाइल्ड क्राफ्ट का। इसका सामने का जो मटेरियल है ये वाटर रेजिस्टेंट है और काफ़ी ड्यूरेबल है। इसके अलावा जो अपन लैपटॉप कंपार्टमेंट की अगर अपन बात करें तो लैपटॉप कंपार्टमेंट आप दो तरीके से ओपन कर सकते हो। अगर आपने यहाँ से लॉक कर रखा है यहाँ पे ऐसे दोनों, तो आप यहाँ से ऐसे ओपन करके सिर्फ अपना कैमरा निकाल सकते हो यहाँ से और वापस रख सकते हो अपना कैमरा और इसको वापस लॉक कर सकते हो। पर अगर आपने पूरा ओपन करना है तो पूरा ओपन करने के लिए सिंपली इन दोनों को आपको अनप्लग करना पड़ेगा और आप लोग पूरा ओपन कर सकते हो। तो ये है मेरा कैमरा बैग अंदर से। फटाफट से बताऊं तो मैं ये कैमरा निकॉन D5500 रखता हूं, एक एक्स्ट्रा लेंस रखता हूं मैं अपने साथ 35mm का, रोड का वीडियो माइक रखता हूं, उसके नीचे मैं रखता हूं ये रेन कवर, और रेन कवर के ऊपर रखता हूं ताकि इस पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। इसके अलावा एक पावर बैंक और GoPro की एक्स्ट्रा बैटरीज, GoPro का ग्रिप और एक GoPro का हार्ड केस रखता हूँ मैं सबसे नीचे। तो ये है मेरा पूरा कैमरा बैग। ये मैं इसलिए यहाँ रखता हूँ क्योंकि ताकि मैं इसको इससे चार्ज कर सकूँ, इससे कुछ भी मैं चार्ज कर सकता हूँ, इसमें सफिशिएंट स्पेस है। अगर मैं इसके हाइट की बात करूँ तो हाइट में इसमें आप लोग एक फुल साइज़ का अच्छा कैमरा आप लोग इसमें फ़िट कर सकते हो। अगर आपके पास फुल फ्रेम कैमरा भी है तो भी इसमें आराम से फ़िट हो जाएगा, ईजिली फ़िट हो जाएगा, और लेंस के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी जगह बची हुई भी है मेरी यहाँ पर, इस जगह पर काफ़ी जगह बची हुई। अगर मैं यहाँ पे कुछ रखना चाहूँ, मैं यहाँ पे लैपटॉप का चार्जर रख सकता हूँ इस जगह पे, इतनी जगह अभी। ये लॉक करते हैं अपन वापस। तो ये आता है अगर सामने की तरफ, सबसे पहले छोटा सा ये कंपार्टमेंट। इस कंपार्टमेंट में यूजली अपने वो चीज़ें रखता हूँ जो मैं फ्रिक्वेंटली यूज़ करता हूँ, जैसे कि ये सनग्लासेस, वॉलेट, आईडी कार्ड और बैटरीज, एक्स्ट्रा बैटरीज रखता हूँ जो मैं फटाफट से अगर ख़त्म हो जाए तो चेंज कर सकता हूँ।
उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को एक और ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप लोगों को एक जिप मिलती है जिसमें आप लोग अपनी वैल्यूएबल्स रख सकते हो। मैं यहाँ पे यूजली मनी स्टोर करता हूँ मेरे पास जो भी पैसे होते हैं। और उसके अलावा आप लोग यहाँ पे अपने एसडी कार्ड रख सकते हो, उसके लिए जगह है। एक चीज़ अच्छी ये है कि अगर आप लोग ऐसा कुछ कैरी कर रहे हो जो आप लोगों को नीचे रखना है, सेपरेट रखना है फ्रिक्वेंटली यूज आइटम में भी, सपोज़ करो कि अगर आपने अपना वॉलेट रखना है अलग से तो आप लोग वो रख सकते हो इसमें। इसमें आप लोगों को ये यहाँ पे स्ट्रैप्स मिलते हैं उसके इलास्टिक के, उसमें आप लोग फिक्स कर सकते हो ऐसे। यहाँ पे ये फिक्स हो गया है तो अब ये मूव नहीं होगा, इसके ऊपर मैं चाहे कुछ भी रखूँ ये नहीं निकलेगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद आप लोगों को एक जिप मिलती है, मैं यूजली इस जिप में जो चेंज है वो रखता हूँ। और इसके अलावा अगर मैं कोई टिकट परचेज कर रहा हूँ कहीं पे घूमने के लिए तो वो रख देता हूँ मैं। बैंडेज वगैरह ऐसे छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो आप इसमें, ये एक यूज़फुल कंपार्टमेंट है। और सबसे मेन कंपार्टमेंट जो है वो ये है, अब वो है ये 15 इंच लैपटॉप कंपार्टमेंट। ये है 15 इंच लैपटॉप और ये है 15 इंच लैपटॉप कंपार्टमेंट, इजीली फिट हो जाता है इसमें। और अब अपन बात करें अगर ट्राईपॉड की, तो ट्राईपॉड में इसमें आप लोगों को दो जगह आप लोग ट्राईपॉड लगा सकते हो। एक तो साइड में आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो जहाँ पे मैंने अपना गोरिल्ला पॉड लगा रखा है, या फिर आप लोग यहाँ पे सामने लगा सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को नीचे ग्रिप सपोर्ट नहीं मिलता है बस, और यहाँ पे आप लोगों को नीचे सपोर्ट मिल जाता है अगर ये रहा तो यहाँ पे आप लोग लगा सकते हो, यहाँ पे ग्रिप मिल जाता है इजीली आप लोगों को। एक अच्छी बात इसकी ये भी, अगर आप लोग अपने साथ बॉटल कैरी कर रहे हो तो अपना बॉटल यहाँ डाल सकते हो इजीली, अच्छे से एक बॉटल आ जाएगा। और अपना ट्राईपॉड आप यहाँ पे लगा सकते हो। एक चीज़ और, अगर आप लोग इसको डेली यूज़ करते हो तो इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी क्लीन डिज़ाइन है इसका। मतलब अगर मैं इसको पहन के बाहर जाता हूँ तो ये ऐसे अलग नहीं लगता है, लैपटॉप बैग ही लगता है ये आप लोगों को। थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और शेप में लगेगा, उसके अलावा ये लैपटॉप बैग जैसा ही लगेगा आप लोगों को एकदम, आप लोग देख सकते हो। तो ये था पूरा का पूरा बैग। मैं आप लोगों को ये बैग अच्छे से रिकमेंड करता हूँ अगर आप लोग 4 से 5 हज़ार के बीच में लेना चाहते हो। मैं सच में बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस बैग से। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना इस वीडियो को, मैं ऐसे वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।